वेलकम बैक फ्रेंड टू टू एम टेफ द इजिएस्ट वे। टू एम टेफ में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि आई को मल्टी कलर किस तरह किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पिक्चर हमने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे आप फिल एडजस्टमेंट लेयर में जाइए और कर्व को सिलेक्ट कीजिए। इसको थोड़ा सा लाइट को आप ऑफ कर दीजिए और इसको बंद कर दीजिए। कंट्रोल आई प्रेस कर दीजिए तो ये थोड़ा डार्क हो जाएगा। दोबारा से एक और लेयर लीजिए, ह्यू सैचुरेशन, इसको कंट्रोल आई कीजिए। कंट्रोल आई करने के बाद अपना ब्रश लीजिए और वाइट कलर सेलेक्ट कर लीजिए। सिंपली ये वाला पार्ट हमें जो है इसका कलर चेंज करना है, इसको आप जो है ब्रश से सिलेक्ट कर लीजिए इस तरह। डबल क्लिक कीजिए ह्यू सैचुरेशन पे और इसका कलर जो है आप इस तरह इसको चेंज कर लीजिए। कलराइज को आप प्रेस कीजिए। वंस अगेन एडजस्ट लेयर से ह्यू सैचुरेशन की एक और लेयर लीजिए और उसको भी कंट्रोल आई कीजिए। दोबारा से कलराइज क्लिक कीजिए और अपना ब्रश से ये वाला पार्ट आप सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे हमें एक कलर और रखना है। ओके, अब इसको आप जो है इसका कलर भी सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, वंस अगेन एक और लेयर ले लीजिए ह्यू सैचुरेशन की, इसको कंट्रोल आई कीजिए और आपके बाद ब्रश से ये वाला मिडिल पोर्शन आप सिलेक्ट कर लीजिए। कलर को क्लिक कीजिए और इसका कलर आप चेंज कर दीजिए। देखिए दोस्तों, अब ओपन से आप देखिए ये पहले कलर था, ये हमने जो है इसमें मॉडिफिकेशन किए। तो वेरी इजी सिंपल एंड जस्ट यू कैन डू इन 1 or 2 minutes। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आप नए इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे, और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी आपसे वीडियो मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।